हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी वी फैशन। आज की इस वीडियो में हम ब्लाउज में बी शेप नेक बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने 4 प्रथम इस तरीके से कपड़े को रख लिया है ब्लाउज कट करने के लिए। आप ब्लाउज की लंबाई का निशान लगा लेंगे, तो जितना भी हम ब्लाउज लेना उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो यहाँ पर 14.5 इंच पर निशान लगा लिया है। अब नीचे से इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब लगाएंगे गले की चौड़ाई का निशान। तो गले की चौड़ाई रखनी है ऊपर से हमें 4 इंच पे। वी शेप नेक ऊपर से थोड़ा चौड़ा होता है तभी अच्छा लगता है। अब लगाएंगे इसके तीरा का निशान। तो तीरा लेंगे हम 2.5 इंच पे। और अब लेंगे आरमोल की लंबाई। तो आरमोल की लंबाई हम लगा लेंगे 6.5 इंच पे। और इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। अब इसकी गले की लंबाई लेंगे, तो हम गले की लंबाई का निशान लगाएंगे यहाँ पे 10.5 इंच पे। जब हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे तो 11.5 इंच पे हमारा रेडी हो जाएगा नेक। तो यहाँ पे 10.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब इस तरीके से इसको मिलाएंगे तो ये हो गया 11.5 इंच। अब यहाँ से निशान लगा लेंगे वी शेप में। इस तरीके से गले पे निशान लगाएंगे। अब इसे हम बिल्कुल वी शेप में नहीं रखेंगे, हल्की सी इसमें शेप डालेंगे। तो उसके लिए यहाँ से थोड़ा सा शेप लेते हुए निशान लगा लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल थोड़ी सी शेप लेंगे और यहाँ से इस तरीके से मिला लेंगे इसको। इस तरीके से यहाँ पे हमारे नेक का निशान हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ से बाकी ब्लाउज के निशान को भी हम लगा लेंगे। और ये यहाँ पे ये कटिंग कर रही है हम प्रिंस कट ब्लाउज की। तो इसकी वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर डाली हुई है, आप उसे चेक कर लीजिए अगर आपको ब्लाउज की कटिंग देखनी है। तो अब यहाँ से जो हमने नेक का निशान लगाया है उसे कट कर लेंगे। ये हो गया बैक नेक। अब फ्रंट नेक का निशान लगा लेंगे। तो ऊपर से जितनी चौड़ाई उतना ही रखेंगे और नीचे से लगा लेंगे यहाँ पे 8 इंच पे निशान। अगर इस तरीके से हम तिरछा लेंगे 8 इंच पे है तो ये रेडी होके 7 इंच हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 7 इंच हो गया है। अब इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। इसको भी यहाँ से हल्की सी शेप डालते हुए कट करेंगे। यहाँ से शेप डालने से थोड़ी अच्छी शेप आ जाती है, इसलिए यहाँ पे शेप डालनी जरूरी होती है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। दोनों नेक की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब इसकी करेंगे स्टिचिंग। तो उसके लिए पहले हम बुकरम लेंगे और बुकरम को डबल फोल्ड करके उसके ऊपर अपने नेक को रख लेंगे। इस तरीके से पहले पीछे वाले नेक के लिए बुकरम कट करेंगे। तो यहाँ से इसको अच्छे से बीच से सेट करके और जहाँ पर भी हमारा गला आ रहा है वहाँ पर निशान लगा के और बुकरम वाले गले को कट कर लेंगे। यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब 1 इंच का मार्जिन लेते हुए एक और निशान लगा लेंगे। और अब कर लेंगे इसकी कटिंग। ये हो गया बैक नेक। इसी तरीके से फ्रंट नेक को भी कट कर लेंगे। यहाँ पे बुकरम रखेंगे और इसके ऊपर फ्रंट वाले नेक को रख लेंगे। अब इसके भी यहाँ से निशान लगा के और इसकी भी कटिंग कर लेंगे 1 इंच का मार्जिन लेते हुए। अब इस तरीके से यहाँ पे दोनों नेक की कटिंग करने के बाद इनको हम कपड़े पे ऐड कर लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने ये कपड़े पे सिल लिए हैं दोनों नेक। अब इन्हें ब्लाउज में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इसको ब्लाउज के ऊपर इस तरीके से रखते हुए और बीच से पिन से सेट कर लेंगे। यहाँ से पिन से सेट करने के बाद गले की सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ से गले की सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से बैक वाले नेक को सेट कर लेंगे। इसको भी बीच से यहाँ से पिन से सेट कर लेंगे। अब दोनों की सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से यहाँ से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने दोनों नेक की सिलाई यहाँ पे लगा ली है। अब नेक के बिल्कुल बीच से यहाँ से छोटा सा कट करेंगे। इसी तरीके से पीछे वाले नेक में भी कर लेंगे। दोनों नेक में बीच में से यहाँ से कट कर लिया है। अब इनके ऊपर से तीरा जॉइंट कर लेंगे।
तो यहाँ से खोल के रखेंगे इस तरीके से, जो हमने बुकरम वाला ये गला लगाया है इसको बाहर की तरफ खोलते हुए रखेंगे, और यहाँ से तीरा की सिलाई लगा लेंगे, दोनों साइड में सिलाई लगाएंगे तीरा की। अब यहाँ से हमने तीरा की सिलाई भी लगा ली है और नेक हो गया कम्प्लीट। कम्प्लीट नेक करने के बाद बीच से पीछे वाले नेक को कट कर लेंगे, पीछे से ओपन रहेगा ब्लाउज तो पीछे से इसको कट कर लिया है, और ये हमने कट किया है बाद में, पहले पूरा नेक रेडी करने के बाद ही कट किया है यहाँ से। अब इसमें दोनों साइड में आई और हुक के लिए पाइपिंग लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो आई के लिए पाइपिंग लगाई है वो इस तरीके से लगाइए, वी शेप नेक है जैसे उसी तरीके से हमने लगाई है, और ये लगाइए हुक के लिए, और यहाँ पे हुक और आई बना लेंगे। तो चलिए अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं ब्लाउज पे, किस तरीके से हमने ये ब्लाउज रेडी किया है। इसका वी शेप नेक बनाया है, फ्रेंसिस कट ये ब्लाउज रखा है इस तरीके से, और इस ब्लाउज भी यहाँ से हमने पट्टी ऐड करी है अलग से, और ये नेट फैब्रिक इसमें बीच में यूज किया है हमने। और इस ब्लाउज की लंबाई जो है हमने नॉर्मल ब्लाउज से थोड़ी लंबी रखी है, ये ब्लाउज की लंबाई रखी है हमने 14.5 इंच पे, और ये इस तरीके से इसकी स्लीव्स बनाई है। स्लीव्स की वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, नीचे से कट वर्क है इसमें। ये हो गई इसकी फ्रंट साइड, अब ये देखिए बैक साइड, तो बैक साइड में भी हमने वी शेप नेक ही रखा है। देखिए इस तरीके से हमारा ये नेक बना है, और इसमें लगाई हमने ये लटकन, तो इस लटकन की वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, और लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इस तरीके से हमारा ब्लाउज बनके हो गया रेडी। आई होप आपको ये ब्लाउज का डिज़ाइन और ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।